सो हाय गाइस, दिस इज पीसी डॉट हार्डवेयर। आ गए आज हम एक न्यू ब्रांड न्यू गेमिंग पीसी बिल्ड लेके। ये होने वाला एक बजट गेमिंग पीसी बिल्ड इन 2021। और ये जो पीसी बिल्ड है, इसे आप सिर्फ पीसी बिल्ड नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने इसमें एक गेमिंग मॉनिटर भी ऐड किया है। सो आप इसे एक फुल सेटअप गेमिंग पीसी बिल्ड बोल सकते हैं। अब ये पीसी बिल्ड मैंने उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया है जो यार मतलब एक 50,000 रुपये मतलब 45,000 रुपये के अंदर एक फुल सेटअप गेमिंग पीसी बिल्ड सर्च कर रहे हैं, जिन्हें एक मॉनिटर भी चाहिए, उसमें गेमिंग मॉनिटर और एक गेमिंग पीसी भी चाहिए, और वो उस पर गेमिंग के नाम पे जैसे कि पबजी मोबाइल हो या फिर फ्री फायर जैसे गेम को एमुलेटर पे प्ले करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि मैं इसे स्ट्रीम भी करूँ यूट्यूब पे। तो यार ये पीसी बिल्ड उन लोगों के लिए है। और आप इसमें जो है GTA 5 या फिर अनदर जो गेम होते हैं AAA टाइटल, वो भी गेम खेल सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छा FPS देखने को मिलेगा। पर मैंने इसे उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया जिनका यार कम बजट होता है और जो इन सब गेमों के लिए मतलब चाहते हैं कि मुझे एक पीसी चाहिए। वैसे ऐसी बात नहीं है कि आप AAA गेम नहीं खेल सकते, आप वो भी आराम से इसमें खेल सकेंगे। और हाँ, आप इस पीसी बिल्ड में गेमिंग के साथ एडिटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने एक क्वाड कोर प्रोसेसर यूज किया है जो कि आपका CPU एनकोडिंग जैसे वर्क में आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। तो विदाउट फर्दर एनी डू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप चाहते हैं अपने मेन कंपोनेंट जो है कि CPU, तो CPU में मैंने लिया है AMD Ryzen 3। ये एक जो है 4-core R-thread वाला प्रोसेसर है ये, और हाइपर कोर मल्टी थ्रेडिंग भी सपोर्ट करता है, इसके कारण आपको जो है मल्टी कोर में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और ये 3.6 GHz की आपको बेस क्लॉक और 3.9 GHz की मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक ऑफर करता है। अब ये CPU लेने के मेरे पास दो रीजन थे। सबसे पहला रीजन कि ये जो मेरा PC बिल्ड था उसके बजट में बैठ रहा था और मेरे जितने भी कंडीशन थे उसको आराम से फुलफिल कर रहा था, क्योंकि इसमें मुझे यार अच्छा बेस क्लॉक देखने को मिल जाता है और एक क्वाड कोर प्रोसेसर है, तो अगर मैं गेमिंग में करता हूं तो उसमें भी मुझे ये अच्छा परफॉर्मेंस देगा। और मेरे पास दूसरा रीजन ये था कि इसके कंपैरिजन में एक और CPU आता है इंटेल का कोर i3-10100। आप वो भी ले सकते हैं हाँ, मगर वो आपको सिंगल थ्रेड में अच्छा परफॉर्मेंस देता है। लेकिन अगर आप बजट वाइज इसका कंपैरिजन करें तो बजट वाइज जो है AMD Ryzen 3 3100 आपको दोनों ही चीजों में मल्टी कोर में और गेमिंग वाइज आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। मैं इसका कंपैरिजन बजट वाइज कर रहा हूं। अगर आपको AMD Ryzen 3 3100 वर्सेस इंटेल का कोर i3-10100 एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं इसको बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो इसलिए मैंने अभी इस पीसी बिल्ड में AMD Ryzen 3 3100 ही ले लिया है। अब इसके मैं कुछ मेमोरी स्पेक्स पे बता दूं आपको, ये DDR4 का मेमोरी सपोर्ट करता है अप टू 3200 MHz तक, जिससे कि आप अपने मतलब रैम के क्लॉक को आराम से फुलफिल मतलब पूरी तरह से यूज कर सकते हैं, जिसके कारण आपको जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया या फिर गेमिंग हो गया या फिर अगर आप कोई CPU एनकोडिंग काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो मैंने मदरबोर्ड में लिया है गीगावाइट का A320M S2H। अब ये जो मदरबोर्ड है ऑन बॉक्स AMD Ryzen 3000 सीरीज और 5000 सीरीज को आराम से सपोर्ट कर जाता है, आपको BIOS अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट प्लग एंड प्ले। लेकिन ये जो है ये मदरबोर्ड AMD Ryzen 7 सीरीज को भी सपोर्ट करता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कोई AMD Ryzen 7 सीरीज इस मदरबोर्ड के साथ पेयर करें, क्योंकि ये मदरबोर्ड जो है यार उसको अच्छी से आपको परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जो इसका रियल टाइम परफॉर्मेंस होगा। और ये जो मदरबोर्ड है AMD Ryzen 3 3100 के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट था, क्योंकि इसमें आपको 2 RAM स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, M.2 SSD स्लॉट भी देखने को मिल जाता है और एक PCIe X16 स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। बाकी बात जो IO पोर्ट में कनेक्टिविटी है वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर आप इसका बजट वाइज में देखते हैं कि मैंने CPU कितना का लिया और ये मदरबोर्ड कितना का है, तो यार ओवरऑल आपको ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है और आप इस मदरबोर्ड में अपने CPU को आराम से ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत मिलने देखने को नहीं मिलेगी। तो यार अभी के समय में अगर आप अपने PC में एक 60GB का भी RAM स्टिक लगाते हैं तो यार वो भी अभी के टाइम के यार अति के लिए कम है, मतलब अभी के टाइम के वर्क के लिए कम है। तो इसलिए मैंने यार अपने CPU और मदरबोर्ड के प्राइस वर्सेस स्पेक्स को देखते हुए एक अभी 8GB का स्टिक ले लिया, जिससे कि आप ओवरऑल गेमिंग बहुत अच्छी कर सके अगर आप अभी कुछ मतलब महीनों के बाद ही अपग्रेड करने जा रहे हैं, क्योंकि यार रैम के प्राइसेस ऑनलाइन अभी बहुत हाई चल रहे हैं। सो इसलिए अगर हो सके तो आप ऑफलाइन ट्राई कर सकते हैं, आपको सस्ता पड़ेगा। तो मैंने अभी लिया है एडाटा का
XPG Gamex G30 RAM। अब ये जो एक 8GB का स्टिक है DDR4 3200 MHz पर क्लॉक है, तो ओवरऑल जो हमारा CPU को भी 3200 MHz सपोर्ट करता है और ये भी आपको 3200 MHz की फ्रिक्वेंसी देगा, तो आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। और ये जो रैम है एक CL60 रैम है, तो जिस प्राइस में आता है उसके हिसाब से आपकी कंडीशन को फुलफिल कर देता है मेरे हिसाब से, तो आप इस रैम के साथ आराम से जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो अब आते हैं अपने SSD मतलब स्टोरेज के ऑप्शन पे। तो स्टोरेज में मैंने अभी एक M.2 SSD ऐड कर लिया है और वो आता है WD Western Digital Green की तरफ से। M.2 2280 उसका मॉडल है और वो 240GB की स्टोरेज आपको देता है। अब ये जो SSD है, देखिए सबसे पहले मेरा मदरबोर्ड जो था वो M.2 SSD सपोर्ट करता था और ये जो है मैं एक सोच रहा था कि मैं एक ऐसे वाला SSD ले लूं, लेकिन यार उससे अच्छा अगर आपको एक स्लॉट मिल रहा है तो मदरबोर्ड में क्यों ना उसे यूज किया जाए। और प्राइसिंग भी जो थी वो यार मतलब आसपास ही पड़ रही थी, तो इसलिए मैंने अभी आपको M.2 SSD मतलब ले लिया है। और ये जो है आपको रीड स्पीड और राइट स्पीड भी बहुत अच्छी वैल्यू ऑफर करता है और जिस प्राइस में आता है उसके हिसाब से यार मस्त है। तो अब आती है पावर सप्लाई के बारे। तो यार पावर सप्लाई मैंने जो है एक 500 वाट का लिया है और ये आता है एनटी स्पोर्ट की तरफ से, और 500 वाट हमारे लिए मतलब कि पावर के लिए ठीक था और मैं फ्यूचर प्रूफ भी ले रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इन बिल्ड आगे चल के ग्राफिक्स कार्ड भी अपग्रेड करते हैं या फिर कोई अदर कंपोनेंट अपग्रेड करते हैं तो यार पावर की आपको दिक्कत नहीं देखने को मिलने वाली है। और ये आता है एनटी स्पोर्ट की तरफ से VS500L, और ये जो पावर सप्लाई है ये 500 वाट का पावर सप्लाई है और ये नन मॉडुलर पावर सप्लाई है। इसमें आपको 3 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है और ये 120mm के साइलेंट फैन के साथ आता है। और इसका यार जो प्राइसिंग है उसके हिसाब से यार मुझे बहुत मस्त लगा, क्योंकि अभी आपको 500 वाट का पावर सप्लाई यार 2000 रुपये से कम में नहीं मिलेगा, 2500 आप ऊपर ही मान लीजिए, और इसके साथ तो आपको वारंटी भी मिल रही है। तो अगर मैं आपको कहूँगा एक यार बिना कंपनी वाले मतलब जिसमें आपको नॉन सर्टिफाइड कंपनी से अच्छा, तो ये एक एंटी स्पोर्ट का है और आपको कम बजट में अच्छा वैल्यू ऑफर करता है। तो अब आती है मेन कंपोनेंट, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये PC बिल्ड गेमिंग में आपको कैसा परफॉर्मेंस देगा। तो मैंने अभी जो है ग्राफिक्स कार्ड लिया है GTX 1050 Ti और ये आता था Inno3D की तरफ से। अब यार मैंने इसका ऑनलाइन प्राइसिंग चेक किया तो ये मुझे 20,000 रुपये में मिल रहा है और ये 4GB GDDR5 वाला वेरियंट है, तो मैंने जो है उसके हिसाब से प्राइस जोड़ा है। लेकिन ये जो है आपको ऑफलाइन 15,000 के प्राइस के आसपास आराम से मिल जाएगा। और ये मैं मानता हूँ कि अगर आप यार सिमुलेटर में गेमिंग करते हैं या फिर GTA 5 भी गेमिंग करते हैं, वैसे मैंने इसका बेंचमार्क भी दिया है तो आप इस ग्राफिक्स कार्ड पे इसका बेंचमार्क देख लें। तो अगर आपको मतलब ये ग्राफिक्स कार्ड कम में मिल रहा तो आप इसे परचेस करके अपने PC बिल्ड में यूज कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपको इससे ऊपर 6050 या फिर उससे ऊपर 6050 सुपर मिले तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। हाँ आपको मतलब थोड़ा सा अपना जो है बजट वो बढ़ाना होगा, आपको बजट करना होगा या तो 20,000 या फिर 25,000 रुपये में आपको ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएगा, क्योंकि यार देखो ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस अभी हाई चल रहे हैं और ऑनलाइन तो यार मिल नहीं रहे हैं। तो अब मुझे सब जगह की ऑफलाइन जो प्राइस है वो तो नहीं पता चलेगी कि कहाँ पे कौन सा सामान स्टॉक में है, तो आप अपने एरिया के यार जहाँ पे आपका कंप्यूटर शॉप है वहाँ पे जाके आप ट्राई कर सकते हैं अपना जो ग्राफिक्स कार्ड का उसके हिसाब से। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप गेमिंग या फिर स्ट्रीमिंग के लिए ले रहे हैं तो 1050 Ti से आप ऊपर ही लें, जिससे कि आपको यार गेमिंग प्लस स्ट्रीमिंग दोनों में ही स्मूथ प्लेबल FPS और अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिले। तो अभी मैं 1050 Ti के साथ जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको कहा था कि मैंने इस PC बिल्ड में एक गेमिंग मॉनिटर भी ऐड किया, तो देखिए ये गेमिंग मॉनिटर का जो प्राइस था वो यार आपको 14,000 के आसपास मिलता है। अब मैं ये आपको प्राइस क्यों बता रहा हूँ, देखिए मुझे एक 10,000 में भी एक मॉनिटर मिल रहा था, लेकिन उसकी जो यार मतलब थी स्पेक्स और इसकी जो स्पेक्स है, अगर आप एक अभी गेमिंग मॉनिटर ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप उसे यार अपग्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि गेमिंग मॉनिटर एक ऐसा चीज़ है जिसे आप मतलब खरीदते हैं और यूज करने लगते हैं और उसके यार अपग्रेडेशन की आपको कोई मतलब अथी नहीं मिलता। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक मॉनिटर ले तो यार थोड़ा सा पैसा आप इंक्रीज करके मतलब थोड़ा सा बजट मिला के लिए फ्यूचर प्रूफ ले, जिससे कि आपको यार बाद में अफसोस ना करना पड़े। तो अभी जो मैंने मॉनिटर लिया वो आता है एसर की तरफ से, एसर का नीट्रो। अब ये 23.8 इंच की फुल HD डिस्प्ले के साथ आता है और ये जो आपको यार 120
165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करता है और ये एक IPS पैनल है। तो IPS पैनल होने के कारण आपको यार कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है और आपका जो रिस्पांस टाइम है वो भी कम हो जाता है। ये आपको 0.5 मिली सेकेंड की रिस्पांस टाइम देता है जिससे कि आपका गेमिंग में यार बहुत अच्छा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है। और इसके साथ एक और खासियत है कि इसमें आपको AMD का रेडॉन फ्री सिंक मिलता है। इसका मतलब अगर आप AMD का ग्राफिक्स कार्ड यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये आपका जो है FPS इंक्रीज कर देगा उस सिंक के हिसाब से, AMD के ग्राफिक्स कार्ड के हिसाब से। और इसमें आपको 2 HDMI पोर्ट मिलते हैं और एक डिस्प्ले पोर्ट मिलता है। ओवरऑल यार इस प्राइसिंग के हिसाब से मुझे ये वाला मॉनिटर बहुत ही बेस्ट लगा और मैं आपको इसी के साथ जाने के लिए सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मॉनिटर यार बार बार नहीं लिया जाता। अगर आप एक बार उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर बाद में आपको इन्वेस्ट करने के लिए उस पर सोचना पड़ेगा। तो ये जो PCB डिवाइस का जो ओवरऑल प्राइस है वो अभी के ऑनलाइन मार्केट प्राइस के हिसाब से है। तो अगर आपको यार इन बजट आपके ऑफलाइन स्टोर में इससे अच्छा PCB मतलब कि इससे अच्छा प्रोसेसर या फिर इससे अच्छा बजट में मिल रहा हो तो आप डेफिनेटली उसके साथ जा सकते हैं। ये मतलब कोई ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इस मदरबोर्ड में यही लगाना है। तो आप अपने बजट अपने नीड के हिसाब से PCB करें जिससे कि आपको यार इन फ्यूचर कोई दिक्कत फेस ना करनी पड़े। और इससे सबसे पहले आप इस PCB का बेंचमार्क देख लीजिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। बेंचमार्क देख लिया और आपको यार पता चल गया कि ये PCB आपको कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है रियल टाइम में। और मैंने एक 60,000 में भी गेमिंग PCB क्या है, अगर आपको वो वाले वीडियो की जरूरत है देखनी है तो वीडियो यहाँ पे है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे यार ये वीडियो तो वीडियो को लाइक करें। और यार अगर आपको ही देखने में ऐसा मजा आता है PC रिलेटेड कंटेंट या फिर PC या फिर गेमिंग रिव्यूज प्रोडक्ट रिव्यूज तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें। देर किस बात की, हम ऐसे ही PC रिलेटेड कंटेंट लाते रहते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।